हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश स्टडी पॉइंट। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक हु इज़ जूलिया क्रिस्टीवा। शी इज़ नॉट ओनली अ पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक बट शी इज़ अ फेमिनिस्ट एंड ऑल्सो साइको एनालिस्ट क्रिटिक। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। जूलिया क्रिस्टीवा इज़ अ बल्गेरियन फ्रेंच फिलोसफर। कि जूलिया क्रिस्टीवा जो थी वो बल्गेरियन फ्रेंच फिलोसफर थी। शी इज़ कनेक्टेड टू फेमिनिज्म, साइको एनालिसिस, पोस्ट मॉडर्न क्रिटिसिज्म। कि वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक नहीं है, वो जो है फेमिनिस्ट क्रिटिक भी हैं और वो साथ ही साथ साइको एनालिस्ट क्रिटिक भी हैं। इनका जन्म जो है बल्गेरिया में एक जगह है स्लीवेन, वहाँ पे हुआ था 24 जून 1941 में। देन ये जो है रोलैंड बार्थ्स, जैक लकान, सिगमंड फ्रॉयड, जैक्स डेरिडा, इन सभी से इन्फ्लुएंस है। तो इनके जो इन्होंने जो है बुक्स लिखी थी, जिनमें पहली बुक का नाम है वर्ल्ड कॉमा डायलॉग इन नॉवल, सेकंड बुक इज़ रेवोल्यूशन इन पोएटिक लैंग्वेज, थर्ड बुक इज़ पावर ऑफ हॉरर सेमी कॉलन एंड एसे ऑन एब्जेक्शन। एब्जेक्शन का डिक्शनरी मीनिंग जो है वो डिग्रेडेशन है, बट जो जूलिया क्रिस्टीवा है एब्जेक्शन को जो है मतलब उनके अकॉर्डिंग जो मीनिंग है एब्जेक्शन का वो है रिजेक्शन। देन फोर्थ इज़ डिज़ायर इन लैंग्वेज, फिफ्थ इज़ मैरिज इज़ अ फाइन आर्ट, सिक्स्थ इज़ मेलेडीज ऑफ द सोल, सेवन्थ इज़ अबाउट चाइनीज वुमेन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट्स। सो शी हैज़ गिवन थ्री कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट इज़ इंटरटेक्चुअलिटी, सेकेंड इज़ कोरा CHORA, थर्ड इज़ सिम्बॉलिक एंड सेमियोटिक स्पेस। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ इंटरटेक्चुअलिटी। सो इंटरटेक्चुअलिटी का मतलब होता है कि जो एक टेक्स्ट है वो बहुत सारे, मतलब एक टेक्स्ट जो है वो बहुत सारे टेक्स्ट के साथ रिलेट करता है, इंटरैक्ट करता है। तो हाउ वन टेक्स्ट इज़ इंटरैक्टिंग विद न्यूमरस अदर टेक्स्ट, ये मतलब एक टेक्स्ट जो है उसके जो है रेफरेंसेस होते हैं बहुत सारे अलग टेक्स्ट से लिए हुए, उसे कहते हैं इंटरटेक्चुअलिटी। कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग टेक्स्ट विद सम अनदर टेक्स्ट, इसका ये भी मतलब है कि एक टेक्स्ट को जो है किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ कंपेयर करना, साथ ही साथ जो है कॉन्ट्रास्ट बताना या फिर सिमिलैरिटी बताना, दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरटेक्चुअलिटी अकॉर्डिंग टू जूलिया क्रिस्टीवा। देन शी ऑल्सो इंक्लूड्स रीडर्स ओन, कि वो बोलती हैं, जूलिया क्रिस्टीवा बोलती हैं कि सिर्फ और सिर्फ कंपेयर मतलब एक टेक्स्ट को जो है दूसरे टेक्स्ट के साथ कंपेयर करना ही इंटरटेक्चुअलिटी नहीं है, बल्कि रीडर्स जो है इंटरटेक्चुअलिटी करते समय अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच, कि अगर रीडर्स जो है जब भी टेक्स्ट को एनालाइज कर रहे हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच के थ्रू, तो जो रीडर्स जो हैं कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट बताते समय जो है अपने खुद के एक्सपीरियंस भी जो है शेयर कर सकते हैं कि उनकी कैसी पोजीशन है कल्चर में। सो उनका जो जूलिया क्रिस्टीवा का मतलब इंटरटेक्चुअलिटी का ये है कि सिर्फ एक टेक्स्ट का जो है दूसरे टेक्स्ट के साथ जो है कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट या फिर सिमिलैरिटी बताना एनफ नहीं है, रीडर्स जो है इसमें साथ ही साथ में अपने एक्सपीरियंस रीडिंग और उनकी जो पोजीशन है कल्चर में वो भी शेयर कर सकते हैं। देन इट वाज जूलिया क्रिस्टीवा हु फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ द टर्म इंटरटेक्चुअलिटी, कि जो जूलिया क्रिस्टीवा हैं उन्होंने जो है इस टर्म को पहली बार यूज़ किया था इंटरटेक्चुअलिटी को। उन्होंने इस टर्म को कॉइन नहीं किया बल्कि इस टर्म को सबसे पहली बार यूज़ किया था। सो द टर्म इंटरटेक्चुअलिटी, देन अकॉर्डिंग टू हर एनी टेक्स्ट इज़ अ साइट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ नंबरलेस टेक्स्ट एग्जिस्टिंग थ्रू इट्स रिलेशन विद अदर टेक्स्ट। कि वो बताती हैं कि एक टेक्स्ट जो है वो सेल्फ कंटेन नहीं होता, एक टेक्स्ट जब कंस्ट्रक्ट होता है तब उसके अंदर जो है दूसरे टेक्स्ट से मतलब लिए गए रेफरेंसेस होते हैं। सो एक टेक्स्ट जो है सिर्फ और सिर्फ अपने आप से नहीं बनाया जाता, उस टेक्स्ट के अंदर कंस्ट्रक्ट करते समय जो है ऑथर या फिर जो ऑथर जो होता है वो दूसरे टेक्स्ट से रेफरेंसेस लेकर जो है टेक्स्ट को कंस्ट्रक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू हर एनी टेक्स्ट इज़ अ साइट ऑफ इंटरैक्शन ऑफ नंबरलेस टेक्स्ट एग्जिस्टिंग थ्रू इट्स रिलेशन विद अदर टेक्स्ट। देन टेक्स्ट ओनली एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रिलेशन विद न्यूमरस अदर टेक्स्ट, कि एक टेक्स्ट जो है तभी एग्जिस्ट करता है जब उसमें जो है न्यूमरस अदर टेक्स्ट के जो है रेफरेंसेस होते हैं। कि बहुत सारे जो टेक्स्ट होते मतलब टेक्स्ट जो होते हैं, अगर एक टेक्स्ट को जब भी कंस्ट्रक्ट करो तो इस वे में करो कि मतलब उसके अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है एस्पेक्ट्स कवर हो दूसरे टेक्स्ट के,
सो क्रिस्टीवा डिनाइड द आइडिया ऑफ फॉर्मलिस्ट. ये जो क्रिस्टीवा हैं, जूलिया क्रिस्टीवा, ये फॉर्मलिस्ट के आइडियाज़ को जो है डिनाई करती हैं. वो कहती हैं कि सिर्फ और सिर्फ अ टेक्स्ट कैन नेवर एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन. वो बोलती हैं कि टेक्स्ट जो है अपने आप में कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता. इट कैन ओनली एग्जिस्ट बाई रिलेटिंग टू अदर टेक्स्ट. कि एक टेक्स्ट जो है वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब एक टेक्स्ट को जो है हम दूसरे टेक्स्ट के साथ रिलेट करेंगे, रिलेशन बताएंगे, कॉन्ट्रास्ट फाइंड आउट करेंगे, सिमिलैरिटी बताएंगे. दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरटेक्सुअलिटी अकॉर्डिंग टू हर. सो जूलिया क्रिस्टीवा सेड टेक्स्ट इज़ अ वीव ऑफ कोड्स फ्रॉम अदर टेक्स्ट. सो जूलिया क्रिस्टीवा बताती हैं कि जो टेक्स्ट होता है उसके अंदर जो है बहुत सारे दूसरे टेक्स्ट के जो है रेफरेंसेस होते हैं. वन टेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू सेवरल अदर डिस्कोर्सेज. कि एक टेक्स्ट जो है कई तरह के टेक्स्ट से रिलेट करके जो है बनाया जाता है. मतलब एक टेक्स्ट के जो है बनाते समय जो है बहुत सारे टेक्स्ट के जो है रेफरेंसेस लिए जाते हैं, तभी एक टेक्स्ट को जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है. सो वो बताती हैं कि इंटरटेक्सुअलिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि कंपेयर कर देना, कॉन्ट्रास्ट या फिर सिमिलैरिटी बता देना, या फिर रीडर्स के एक्सपीरियंसेस या फिर उनकी जो पोजीशन है कल्चर में वो शेयर करना, बल्कि और मतलब वो एक और मतलब पॉइंट को जो है वो ऐड करती हैं कि हम जो है इंटरटेक्सुअलिटी करते समय जो है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स को भी ले सकते हैं. जैसे अगर हम लिटरेचर में अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच अगर हम किसी टेक्स्ट को जो है एनालाइज करते हैं, जैसे मैंने लिया चार्ल्स डिकेंस की हार्ड टाइम्स, तो हम जो है उसे इकोनॉमिक्स के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, पॉलिटिक्स के भी साथ रिलेट कर सकते हैं कि उस टाइम में जो है पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा था, इकोनॉमिक सिनेरियो कैसा था. सो फिर हम जो है अपने जो है एनालिसिस कर सकते हैं, इंटरटेक्सुअलिटी कर सकते हैं. देन एवरी टेक्स्ट इज़ अ सिग्निफाइंग सिस्टम. कि वो बताती हैं कि हर एक टेक्स्ट जो है कुछ ना कुछ जो है सिग्निफाई करता है, और इट कंस्टिट्यूट्स विद अ लॉट ऑफ सिग्निफाइंग एलिमेंट्स. कि हर टेक्स्ट के अंदर जो है ऐसे कॉन्सेप्ट्स डाले जाते हैं जो कुछ ना कुछ सिग्निफाई करते हैं, यानी कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट फॉर्म करते हैं. इट इज़ नॉट ओनली अ प्रोडक्ट ऑफ सिंगल ऑथर. कि जो टेक्स्ट होता है वो सिर्फ सिंगल ऑथर जो है उसमें मतलब सिर्फ सिंगल ऑथर जो है उसका प्रोडक्ट नहीं होता, बट इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू सम अदर टेक्स्ट एंड अदर सिग्निफायर्स. कि जो टेक्स्ट होता है सिर्फ सिंगल ऑथर के आइडियाज़ नहीं होते उसमें, उसमें जो है रेफरेंसेस होते हैं दूसरे ऑथर से लिए गए एंड अदर सिग्निफायर्स. कि इट इज़ नॉट रिलेटेड टू वन सिग्निफायर. वो बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जो है एनफ नहीं है टेक्स्ट को पढ़ने में. इट इम्प्लाइज हाउ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ नॉलेज. कि जब भी हम इंटरटेक्सुअलिटी करते हैं तो जो है डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज को जो है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच की नॉलेज, जैसे इकोनॉमिक्स हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, ज्योग्राफी हो गई, उन सब को जो है हम टेक्स्ट को पर अप्लाई करके जो है एनालिसिस जो है दे सकते हैं, यानी इंटरटेक्सुअलिटी कर सकते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरटेक्सुअलिटी ड्रामेटिकली ब्लर्स द आउटलाइन ऑफ द टेक्स्ट. इसका कहने का मतलब है कि जो भी इंटरटेक्सुअलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब एक बुक से नहीं की जा सकती. मतलब इंटरटेक्सुअलिटी में जो है क्रिटिक जो है फ्री होता है, उसके पास जो है लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी होती है. सो वो फ्री होता है, वो किसी के साथ भी मतलब कनेक्ट कर सकता है, या फिर कोई भी आइडिया जो है एसोसिएट कर सकता है, पैराफ्रेज कर सकता है, या फिर दूसरे टेक्स्ट के जो मतलब एलिमेंट्स है वो मतलब यूज़ करके जो है अच्छा एनालिसिस दे सकता है. सो जूलिया क्रिस्टीवा का मतलब इंटरटेक्सुअलिटी का मतलब ये हुआ. सो अकॉर्डिंग टू हर थ्री टाइप्स ऑफ इंटरटेक्सुअलिटी एग्जिस्ट. वो बताती हैं जूलिया क्रिस्टीवा जो हैं वो बोलती हैं कि हम जो है तीन टाइप से जो है इंटरटेक्सुअलिटी कर सकते हैं. पहला कि एक टेक्स्ट का जो है दूसरे टेक्स्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या कॉन्ट्रास्ट बता सकते हैं, या फिर सिमिलैरिटीज़ बता सकते हैं. इस वे में हम इंटरटेक्सुअलिटी कर सकते हैं. सेकेंड वे वो बताते हैं कि कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग और यूजिंग ऑफ फिलोसफी ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ नॉलेज. कि हम जो है
टेक्स्ट को जब भी एनालाइज करें तो उसमें जो है हम जो है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, फिलॉसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया। तो जब भी हम टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच, तो उसमें जो है हम एक टेक्स्ट को जो दूसरे टेक्स्ट के साथ मतलब कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ इंटरटेक्चुअलिटी करते समय जब जो हम जो हैं उसमें डिफरेंट ब्रांचेस को मेंशन कर सकते हैं, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, फिलॉसफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। सो इस वे में देन रीडर्स ऑन मतलब रीडर्स जो है इसमें अपने प्रीवियस रीडिंग्स को भी शेयर कर सकता है और एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकता है और अपनी पोजीशन जो है सोसाइटी के अंदर वो भी शेयर कर सकता है अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिसिज्म। देन सेकंड कॉन्सेप्ट जो जूलिया क्रिस्टीवा का है वो कोरा है, CHORA। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आइडिया जो डराइव हुआ था वो प्लेटो से हुआ था। कोरा इज़ ऑल्सो नोन एज सेमियोटिक स्पेस भी बोला जाता है, वो आगे हम जानेंगे क्यों बोला जाता है। इट मीन्स अ नरिशिंग मेटर्नल स्पेस, कि कोरा का मतलब होता है नरिशिंग मेटर्नल स्पेस। सो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टीवा कोरा कैन बी यूट्रस, कि जूलिया क्रिस्टीवा बताती हैं कि ये जो कोरा है ये एक तरह का यूट्रस है जो कि चाइल्ड को जो है जैसे चाइल्ड जो चाइल्ड को जो है नरिशिंग स्पेस प्रोवाइड करता है यूट्रस। सो यूट्रस का क्या मतलब हुआ, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टीवा कोरा कैन बी यूट्रस, कि कोरा एक यूट्रस है जो कि नरिशिंग स्पेस प्रोवाइड करता है चाइल्ड को। देन इट कैन बी टेकन एज अ मेटाफर फॉर द रिलेशन, ये जो कोरा है ये एज अ इसे हम जो है मेटाफर सोच सकते हैं जो कि सिग्निफाई करता है माँ और बच्चे के रिलेशन को। एंड इट कैन ऑल्सो बी टेकन एज अ मेटाफर फॉर द टेम्परेरी पीरियड बिफोर द मिरर स्टेज। ये मतलब कोरा को हम मेटाफर ले सकते हैं सिग्निफाई करने में कि ये एक तरह का टेम्परेरी पीरियड है कोरा, जो कि मिरर स्टेज से पहले जो है एग्जिस्ट करता है चाइल्ड के अंदर। सो इन एनी स्टेज इफ अ चाइल्ड इज़ गोइंग टू सफ़र अ प्रॉब्लम हिज एडल्ट पर्सनैलिटी गोइंग टू सफ़र। जूलिया क्रिस्टीवा बोलती हैं कि अगर किसी स्टेज में अगर चिल्ड्रन को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी जो बाद वाली पर्सनैलिटी जब वो एडल्ट बन जाता है तब उसको जो है प्रॉब्लम होगी। अगर वो मैं फिर से बोलूँगी कि अगर जो चाइल्ड है अगर उसे किसी भी स्टेज में जब उसका जन्म होता है अगर उसे किसी भी स्टेज में जो है प्रॉब्लम आ जाती है तब जो है उसकी एडल्ट पर्सनालिटी जो है इससे जो है काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा उसकी पर्सनालिटी पे। देन दिस स्टेज इज़ द अर्लीस्ट स्टेज इन द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। वो बताते हैं कि कोरा जो है अर्लीस्ट स्टेज है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड की, कि जैसे उसका माइंड जो जब ग्रो करता है तो उससे पहले की स्टेज के बारे में जो है जूलिया क्रिस्टीवा बताती हैं कि ये जो स्टेज है ये अर्लीस्ट स्टेज है, कोरा एक अर्लीस्ट स्टेज है इन द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। जब उसका जब है माइंड डेवलपमेंट हो रहा होता है ये उससे पहले की स्टेज है कोरा। इट इज़ अ प्री लिंगुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कि ये जो है इसमें जो है चाइल्ड जो है बोलता नहीं है। सो इसे बोला गया है प्री लिंगुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये जो है 0 से 6 मंथ्स के बीच में होती है। चाइल्ड इज डोमिनेटेड बाई क्योटिक मिक्स ऑफ परसेप्शन फीलिंग्स एंड नीड्स। ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश हिज ओन सेल्फ फ्रॉम अ मदर, कि मतलब जब जैसे ही बच्चा जो है जन्म लेता है सो 0 से 6 मंथ्स के पीरियड में क्या होता है चाइल्ड जो है अपने आप को जो है डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता फ्रॉम अ मदर, और जो मदर जो है वो उसे जो है सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है अपना बॉन्ड दे के अपनी केयर देकर। सो ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश हिज ओन सेल्फ, वो अपने आप को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि वो है कौन। सो वो जो है मदर से जो है अलग नहीं हो पाता, उस समय जो उसका इमोशनल बॉन्ड होता है वो अपनी मदर से होता है। सो चाइल्ड इज़ टेकिंग टाइम टू एक्सपीरियंस ऑल द प्लेजर, कि इस समय क्या होता है कि चाइल्ड को जो है टाइम लगता है एक्सपीरियंस चाइल्ड इज़ टेकिंग टाइम टू एक्सपीरियंस ऑल द प्लेजर।
सो मतलब चाइल्ड जो है धीरे धीरे जो है टाइम लेता है और एक्सपीरियंस करता है प्लेजर्स को, एंड ही डजेंट नो एनी बाउंड्री, और उसे कुछ बाउंड्री का ख्याल नहीं होता क्योंकि उसे समझ नहीं होती, ना तो उसके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है. सो ही डजेंट नो एनी बाउंड्री, उसे पता ही नहीं होता कि लिमिटेशंस है क्या उसके लिए. एट दिस टाइम वॉट एवर द चाइल्ड वॉन्ट्स ही डज दैट. कि इस समय क्या होता है कि जो भी मतलब बच्चा चाहता है वो करता है. दिस इज़ अ स्टेज वेयर ही डज नॉट केयर अबाउट वैल्यूज़. ये ऐसी स्टेज है जहाँ पर जो चाइल्ड है वो ना तो वैल्यूज़ ना तो मोरल्स की परवाह करता, वो करता है, चाइल्ड वो चीज़ करता है जो उसे सही लगती है. देन थर्ड कॉन्सेप्ट जो है जूलिया क्रिस्टीवा द्वारा दिया गया वो ये है सिम्बॉलिक एंड सेमियोटिक स्पेस. सिम्बॉलिक इसमें तो जूलिया क्रिस्टीवा है वो सिम्बॉलिक स्पेस को एज अ मैस्कुलिन स्पेस से एसोशिएट करती है जो कि पूरे लॉ या फिर स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है, और सेमियोटिक स्पेस को जो है वो एसोशिएट करती है फेमिनाइन वैल्यूज़ के साथ जिसमें इंक्लूड होता है म्यूज़िक, इमोशंस एंड रिदम. देन वो कहती हैं कि चाइल्ड जो है जब बचपन में जो है वो जन्म लेता है तो वो जो है कहीं ना कहीं अपने इमोशंस के साथ जो है कनेक्टेड रहता है. इट लैक्स स्ट्रक्चर एंड मीनिंग, कि उस टाइम जो है ना तो कोई स्ट्रक्चर मैटर करता उसके लिए, ना ही कोई मीनिंग मैटर करता. सो इट इज़ लाइक अ मदर बॉडी विच मेडिएट्स बिटवीन कोरा एंड सिम्बॉलिक रियलम. कि जो मदर बॉडी मदर की जो बॉडी है वो मीडिएट करती है कोरा और सिम्बॉलिक रियलम के बीच में. देन सिमियोटिक इज़ क्लोजली रिलेटेड टू कोरा. वो जूलिया क्रिस्टीवा बताती हैं कि जो सिमियोटिक स्पेस है वो कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल सिमिलर है कोरा से. कोरा जो मैंने अभी पिछले मतलब इससे पहले बात की थी, कोरा वही कॉन्सेप्ट है. तो जूलिया क्रिस्टीवा जो है सेमियोटिक स्पेस को बताती हैं कि ये कहीं ना कहीं मतलब क्लोजली रिलेटेड है कोरा से. सो कोरा क्या है? द इन्फेंट इन द बिगनिंग ऑफ हिज लाइफ इज़ लिविंग इन अ सेमियोटिक मैनर. कि जो इन्फेंट जब वो मतलब बॉर्न ही हुआ होता है तो वो समय जो है सेमियोटिक मैनर में रह रहा होता है. वेयर यू आर टाइड टू योर मतलब इस समय क्या होता है जो बच्चा है वो अपने इंस्टिंक्ट से जो है मतलब जुड़ा रहता है. वेयर यू कैन नॉट अंडरस्टैंड. और इस समय क्या होता है जो चाइल्ड है वो डिनोटेटिव मतलब को मतलब हिडन मीनिंग को ना तो अंडरस्टैंड करता, डिनोटेटिव मीनिंग को जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाता. यानी डिनोटेटिव मीनिंग का मतलब है हिडन मीनिंग. वेयर यू अंडरस्टैंड फीलिंग्स मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है वो फीलिंग्स को समझ पाता है, हिडन मीनिंग्स को ना समझकर सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स को समझता है. क्योंकि इस समय वो क्या होता है उसे मतलब फीलिंग्स प्रोवाइड करने वाला जो है उसकी मदर होती है, और जब वो अपनी मदर के लैप में बैठा होता है तब उसे जो है अच्छा फील होता है. सो इसे ही बोला गया है कि वेयर दिस इज़ अ फेज व्हेन चाइल्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड द डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ वर्ड्स, वेयर ही ओनली अंडरस्टैंड फीलिंग. सिर्फ और सिर्फ जो है वो फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकता है, और वो भी तब जब वो अपनी उसे जो है मदर की जो है प्रॉपर प्यार मिलता है, केयर मिलती है तभी. सो व्हेन अ चाइल्ड इज़ इन इन्फेंट पीरियड, वो बोलती हैं कि जब चाइल्ड जो इन्फेंट पीरियड में होता है 0 to 6 के मंथ्स के अराउंड, इट इज़ अ रियल एसोशिएटेड विद क्योंकि जो चाइल्ड है वो एसोशिएट मतलब अपने आप से जो एसोशिएटेड होता है वो म्यूज़िक से होता है, पोएट्री से होता है, रिदम से होता है. इट लैक्स स्ट्रक्चर एंड मीनिंग, जो कि मतलब विदाउट एनी स्ट्रक्चर होते हैं, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता. सो कहने का मतलब ये है कि जिस टाइम मतलब चाइल्ड जो है इन्फेंट पीरियड में 0 to 6 मंथ्स के पीरियड में है वो जो है उसके अंदर जो है कोई मतलब हिडन मीनिंग की समझ नहीं होती, और उसके लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, वो किसी स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता. जो भी है वो म्यूज़िक, पोएट्री, रिदम, ये जो ये सारी जो है फीलिंग्स है. सो ये फीलिंग्स चाइल्ड जो है इस पीरियड के अंदर जो है फीलिंग्स को ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाता है. द चाइल्ड रिप्रेजेंट्स प्री मिरर स्टेज एंड वेरी क्लोज टू द फेमिनाइन ट्रेट्स. कि चाइल्ड इस समय में क्या होता है बहुत फेमिनाइन ट्रेट्स से जो है
बहुत क्लोज रहता है। फेमिनाइन ट्रेड्स क्या हो गए, जैसे कि इमोशंस, फीलिंग्स, म्यूजिक, पोएट्री, रिदम, ये सारे जो है फेमिनाइन ट्रेड्स हैं। सो चाइल्ड जो है प्री मिरर स्टेज में जो है इससे जो है क्लोजली एसोसिएटेड होता है। आफ्टर सिक्स मंथ्स के बाद क्या होता है, वो मिरर स्टेज में एंटर कर जाता है। द चाइल्ड लर्न्स टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ विद अदर्स। फिर क्या होता है, चाइल्ड जो है अपने आप को जो है मतलब दूसरों को जो है से डिस्टिंग्विश करने लग जाता है। एंड ही एंटर्स इन द रियल नेम ऑफ शेयर्ड कल्चर मीनिंग विच इज़ नोन एज सिम्बॉलिक स्पेस। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो जो है मीनिंग्स को, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लग जाता है। उसे बोला गया है सिम्बॉलिक स्ट्रक्चर, कि चाइल्ड जो है लर्न्स टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ विद अदर्स, कि चाइल्ड को समझ हो जाती है कि वो अपने आप को जो है दूसरों से जो है डिस्टिंग्विश कर सकता है, मतलब सिक्स मंथ्स के बाद। और वो जो है थोड़ी बहुत लैंग्वेज का यूज़ करने लग जाता है, जिसे बोला गया है, जो कि स्ट्रक्चर या फिर किसी लॉ पर बेस्ड है, जिसे बोला जाता है सिम्बॉलिक स्पेस। इन सिम्बॉलिक स्पेस डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज अलाउ द चाइल्ड टू बिकम अ स्पीकिंग सब्जेक्ट। कि सिम्बॉलिक स्पेस में क्या होता है, वो जो है उसके अंदर जो है लैंग्वेज की डेवलपमेंट होने लगती है, और उस डेवलपमेंट को फिर वो जो है एज अ स्पीकिंग सब्जेक्ट बन जाता है। एंड जो है उसके अंदर जो है मतलब वो समझने लग जाता है कि वो जो है उसकी जो आइडेंटिटी है वो अपनी मदर से जो है सेपरेट है। देन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज टेक्स प्लेस, चाइल्ड इज़ एबल टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ फ्रॉम मदर। कि पहले उसे जो है सिक्स मंथ से पहले जो है उसे बिल्कुल समझ नहीं होती कि वो कौन है, और वो जो है अपनी मदर से जो है क्लोज बॉन्ड बना कर रखता है। एंड फिर जो सिक्स मंथ्स के बाद क्या होता है, वो अपनी मदर से जो है सेपरेट आइडेंटिटी फॉर्म करने की कोशिश करता है। सो चाइल्ड इज़ एबल टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ फ्रॉम मदर्स, वो अपने आप को जो है अपनी मदर से जो है डिस्टिंग्विश करता है। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज़ नोन एज, और जब वो मतलब अपनी मम्मी की अपनी मम्मी को छोड़कर अपनी खुद की आइडेंटिटी फॉर्म करने की कोशिश करता है, तो दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज़ नोन एज एब्जेक्शन। सो इस प्रोसेस को जो है एब्जेक्शन बोला गया है। एब्जेक्शन का मतलब है कि व्हेन अ चाइल्ड रिजेक्ट एंड मूव अवे फ्रॉम मदर, कि जब जो चाइल्ड है वो रिजेक्ट करता है और अपनी मदर से जो है मतलब मदर को छोड़कर अपनी खुद की आइडेंटिटी फॉर्म करने की कोशिश करता है वाया लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज को बोलकर। सो इस प्रोसेस को बोला जाता है एब्जेक्शन। एब्जेक्शन इज़ व्हेन अ चाइल्ड रिजेक्ट एंड मूव अवे फ्रॉम मदर इन ऑर्डर टू एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ लैंग्वेज। कि वो जो चाइल्ड है अपनी मदर से जो है अपनी मदर को रिजेक्ट करके और वो मतलब उनसे दूर जाकर जो है मतलब खुद की लैंग्वेज फॉर्म करता है, वो सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है और वो धीरे धीरे जो है मीनिंग फॉर्म करने लगता है। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज एब्जेक्शन। मदर हैज़ एक्सेस टू कल्चर एंड मीनिंग। सो मदर के पास ये जो है समझ होती है कि वो किस कल्चर से बिलोंग करती है और मतलब किस तरह से जो है सोसाइटी में जो है मीनिंगफुल कम्युनिकेशन रखनी चाहिए। शी टेक्स द चाइल्ड फ्रॉम और मदर ही रिस्पॉन्सिबल होती है चाइल्ड को सेमियोटिक स्पेस से सिम्बॉलिक स्पेस तक ले जाने में। देन शी टेक्स द चाइल्ड फ्रॉम सेमियोटिक स्पेस एंड मूव द चाइल्ड टू सिम्बॉलिक स्पेस। शी इज़ कनेक्टेड टू चाइल्ड ऑन एन इमोशनल लेवल। कि प्री मिरर स्टेज में क्या होता है, वो मदर जो है अपने बेटे मतलब अपने चाइल्ड से जो है कनेक्ट रहती है इमोशनल लेवल, यानी उसे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मतलब उसे अपना प्यार देती है, अपनी लैप पर जो है सुला कर रखती है, जिससे जो है बच्चे को जो है एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। सो एंड शी इज़ कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। फिर एट द सेम टाइम जो है माँ जो है वर्ल्ड से कनेक्ट रहती है, कल्चर से कनेक्ट रहती है और मीनिंग से कनेक्ट रहती है, तो उन मतलब वो जो है शी इज़ कनेक्टेड टू द वर्ल्ड कल्चर एंड मीनिंग ऑन अ लॉजिकल लेवल। वो अपने बच्चे से जो है इमोशनल लेवल से कनेक्ट रहती है और वर्ल्ड कल्चर और
मीनिंग से जो है लॉजिकल लेवल से कनेक्ट रहती है मदर. देन लकान जो है वो बताते हैं कि व्हेन यू एंटर इन द सिंबॉलिक रियल्म द चाइल्ड कंटिन्यूज टू ऑसिलेट. जब जो चाइल्ड है वो सेमियोटिक स्पेस से जो है सिंबॉलिक स्पेस में जाता है फिर भी वो कंफ्यूज रहता है कि वो कौन सी आइडेंटिटी को जो है मतलब उसे अडॉप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे. सो लकान सेज दैट व्हेन यू एंटर इन द सिंबॉलिक रियल्म द चाइल्ड कंटिन्यूज टू ऑसिलेट. मतलब उसे कंफ्यूजन रहती है कि उसे जो है किस स्पेस में जाना चाहिए, सेमियोटिक में या फिर सिंबॉलिक में. अ चाइल्ड मूव बैक टू हिज मदर. फिर वो बताते हैं, लकान बताते हैं कि जैसे ही जो चाइल्ड है वो सेमियोटिक स्पेस से धीरे धीरे सिंबॉलिक स्पेस में जाता है और अपनी आइडेंटिटी को जो है फॉर्म करने लगता है, क्योंकि वो अपनी मदर को जो है मतलब उन्हें जो है रिजेक्ट करके जो है उसके अंदर जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट होने लगती है, जिसके थ्रू जो है वो मीनिंग्स प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ जो है कल्चर या फिर सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है. तो वो लकान जो है वो बताते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है चाइल्ड जो है सिंबॉलिक स्पेस से जो है सिंबॉलिक स्पेस में जाकर सिंबॉलिक स्पेस में ही रहे. वो मतलब चाइल्ड जो है अगर उसे सिंबॉलिक स्पेस ज़्यादा पसंद नहीं आता तो वो फिर से जो है सिमियोटिक स्पेस में भी जा सकता है, ऐसा लकान का कहना है. अ चाइल्ड मूव्स बैक टू हिज मदर अगेन, कि वो जो है चाइल्ड जो है सेमियोटिक स्पेस से जो है सिंबॉलिक स्पेस से जो है वापस सिमियोटिक स्पेस में भी जा सकता है. सिमियोटिक स्पेस वो वाली स्पेस है जहाँ पे जो है बच्चे को जो है मदर का जो है प्यार मिलता है, अफेक्शन मिलता है. अ चाइल्ड मूव बैक टू हिज मदर अगेन बिकॉज ही फील्स दैट दिस इज़ अ स्पेस वेयर ही फील्स मोस्ट प्रोटेक्टेड इन दिस वर्ल्ड. कि जब चाइल्ड जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है सेमियोटिक से सिम्बॉलिक स्पेस में जाने के लिए, तो फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिंबॉलिक स्पेस में जाकर सिंबॉलिक स्पेस में ही रहे. तो वो अगर उसे जो है सिंबॉलिक स्पेस जो है थ्रेटनिंग लगता है तो वो जो है सिमियोटिक स्पेस में भी जा सकता है, क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि वो सिमियोटिक स्पेस में ज़्यादा प्रोटेक्टेड है. Rather than arriving at a fixed identity, the child is in process. He keeps on oscillating between the semiotic and the symbolic. कि जैसे ही मतलब सिम्बॉलिक स्पेस में जाता है तो एज अ सॉर्ट ऑफ इस प्रोसेस में मतलब ग्रेजुअली जाने में तो वो मतलब अपनी फिक्स आइडेंटिटी बनाने टाइम जो है वो कन्फ्यूजन में रहता है कि उसे जो है कौन सी स्पेस मतलब अडॉप्ट करनी चाहिए और कौन सी स्पेस जो है रिजेक्ट करनी चाहिए. व्हेन अ चाइल्ड अराइव एट सिंबॉलिक स्पेस इट डज नॉट मीन दैट ही डज नॉट गो बैक टू सेमियोटिक. मैंने आपको पहले बताया था कि व्हेन अ चाइल्ड कि अगर वो जो है सिंबॉलिक स्पेस से जो है सेमियोटिक स्पेस में जाने की कोशिश करता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो व्हेन अ चाइल्ड अराइव कि अगर जो एक चाइल्ड है वो सिंबॉलिक स्पेस में आ गया है और तो फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिंबॉलिक स्पेस में आकर जो है सिंबॉलिक स्पेस में ही रहे. वो फिर से जो है सेमियोटिक स्पेस में जा सकता है जो कि उसका जो कि उसे जो जो स्पेस जो मदर से मिलता है उसे हम बोलते हैं सेमियोटिक स्पेस. समटाइम आफ्टर एब्जेक्टिंग द मदर द चाइल्ड रिटेन्स द अनकॉन्शियस फैसिनेशन विद द सेमियोटिक. फिर क्या होता है कि मतलब ऐसे मूवमेंट्स आ जाते हैं कि कभी कभार जो है चाइल्ड जो है सिंबॉलिक स्पेस से हट कर वो सेमियोटिक में भी चला जाता है और कभी कभार ऐसा होता है कि सेमियोटिक को वो टोटली रिजेक्ट करके जो है सिंबॉलिक स्टेज में स्पेस में जो है चला जाता है. सो व्हेन अ चाइल्ड अराइव एट सिंबॉलिक स्पेस इट डज नॉट मीन दैट ही डज नॉट गो बैक टू सेमियोटिक समटाइम आफ्टर रिजेक्टिंग द मदर द चाइल्ड रिटेन्स द अनकॉन्शियस फैसिनेशन विद द सेमियोटिक. ही डिजायर्स कॉन्टिन्यूसली टू रीयूनाइट विद हिज मदर वाइल ही फील्स कि अगर जैसे ही जो चाइल्ड है अगर वो सेमियोटिक स्पेस में जो है चला जाता है तो मतलब सॉरी सिंबॉलिक स्पेस में जाकर अगर उसे ऐसा लगता है कि उसकी आइडेंटिटी को खतरा है तो वो फिर से जो है सेमियोटिक स्पेस में जाने की कोशिश करता है, अपनी मदर से रीयूनाइट होने की कोशिश करता है. लकान सेज दैट फीमेल चिल्ड्रन कंटिन्यू टू आइडेंटिफाई टू सम डिग्री विद द मदर फिगर. कि लकान कहते हैं कि जो फीमेल चिल्ड्रंस है वो ज़्यादातर जो है सेमियोटिक स्पेस से सिम्बॉलिक स्पेस
की तरफ जाते समय जो है थ्रेटनिंग फील करती है, तो फिर वो क्या करती हैं, सिम्बॉलिक स्पेस से जो है सेमियोटिक स्पेस की तरफ वापस आने की कोशिश करती है। तो यही लकान बोल रहे हैं कि लकान सेज दैट फीमेल चिल्ड्रन कंटिन्यू टू आइडेंटिफाई टू सम डिग्री विद द मदर फिगर। दिस कंटिन्यूड आइडेंटिफिकेशन विद द मदर में रिजल्ट्स इन डिप्रेशन। कि अगर जो है एक मतलब लड़की है वो सिंबॉलिक स्पेस में जाने की कोशिश कर रही है और उस स्पेस में अगर उसकी जो है आइडेंटिटी वो अपनी नहीं बना पाती तो वो जो है अपनी मदर की तरफ जाती है और यानी सेमियोटिक स्पेस की तरफ वापस जाती है, जिससे क्या हो सकता है डिप्रेशन होने के जो है चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। सो जूलिया क्रिस्टीवा डराइज इन देन ये तीनों कॉन्सेप्ट्स ख़त्म हो गए हैं एंड अब जो है जूलिया क्रिस्टीवा डराइज इंटरटेक्चुअलिटी की। जो जूलिया क्रिस्टीवा है उन्होंने जो है इंटरटेक्चुअलिटी को जो है फर्डिनांड द सोश्योर के कॉन्सेप्ट से जो है डराइव किया, फर्डिनांड द सोश्योर के साइन के कॉन्सेप्ट से जो है इंटरटेक्चुअलिटी को डराइव किया और साथ ही साथ मिखाइल भक्तिन की डायलॉजिज्म कॉन्सेप्ट से जो है उन्होंने इंटरटेक्चुअलिटी को डराइव किया। देन शी सेज दैट इंटरटेक्चुअलिटी मीन्स टेक्स्ट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ टिश्यू ऑफ साइटेशंस। वो बोलती हैं कि इंटरटेक्चुअलिटी का मतलब है कि जो एक टेक्स्ट है उसके अंदर जो है किसी दूसरे टेक्स्ट के जो है रेफरेंसेस जो है मेंशन है। देन अकॉर्डिंग टू क्रिस्टीवा इट इज़ इरप्शन ऑफ सेमियोटिक विद इन सिम्बॉलिक। कि मतलब इट इज़ इरप्शन ऑफ सेमियोटिक विद इन सिम्बॉलिक दैट प्रोवाइड्स द क्रिएटिव एंड इनोवेटिव इम्पल्स ऑफ मॉडर्न पोएटिक लैंग्वेज। कि इससे क्या होता है मतलब जो बच्चा जो है इंटरटेक्चुअल इट इज़ इरप्शन ऑफ सेमियोटिक स्पेस विद इन सिम्बॉलिक स्पेस दैट प्रोवाइड्स क्रिएटिव। फिर जूलिया क्रिस्टीवा जो है कोरा वाले मतलब लास्ट वाले सेमियोटिक और सिम्बॉलिक कॉन्सेप्ट में बताती हैं कि जो चाइल्ड है वो सेमियोटिक स्पेस से जो है धीरे धीरे जाकर जो है सिम्बॉलिक स्पेस को जो है एक्वायर करता है और जब वो सिम्बॉलिक स्पेस को जो है अडेप्ट करता है वो उसे वे प्रोवाइड करता है क्रिएटिव और इनोवेटिव बनने का। सो थैंक यू फ्रेंड्स।